आज हमें क्या पढ़ना है? पौधों में पोषण। अभी भी क्या बीता है? 15 अगस्त। हम लोग अपने घर में झंडा लगाए थे, गाड़ी में लगाए थे। अब उस झंडे को सम्मान सहित झंडे को उतार कर अपने घर में सुरक्षित और सही स्थान पर रखते हैं, ठीक ना? जो झंडा घर में लगाए हैं उसको सम्मान के साथ उतारिए, उसको सुरक्षित अपने स्थान पर रख दीजिए, ठीक ना? ठीक, चलिए। पौधों में पोषण, आज हम लोग पढ़ेंगे कि पौधों में पोषण कहां से मिलता है, ठीक ना? जैसे हम खाना खाते हैं हमको मिल जाता है, तो आज हम ऐसे देखेंगे पौधों में पोषण कहां से मिलता है, ठीक है? जीवों के लिए आवश्यक क्या है? भोजन। किसी भी जीव के लिए भोजन सबसे ज्यादा अनिवार्य है, यही है पोषण। अगर हम लोग खाना ना खाएं तो हम लोग धीरे धीरे क्या होगा, बैटरी लो होते जाएगी, एक दिन लाल हो जाएगी, फिर शट डाउन हो जाएगी, खत्म। तो भोजन से क्या होता है, शरीर को ऊर्जा मिलती है। हमारे शरीर को जैसे किसी दिन हम व्रत रहते हैं उस दिन हमारे शरीर एकदम रहती है साइलेंट, जैसे मोबाइल पर तो साइलेंट, कोई फोन नहीं आता, ऐसे ही हमारे शरीर रहती है। जब दूसरे दिन हम सुबह नहा वहा के पहले खाना पे ही टूटते हैं, अगर डेली हम तो 2 रोटी खा रहे हैं तो उसके दूसरे दिन 4 रोटी खाएंगे, तुरंत हमारी बैटरी जो है चार्ज हो जाती है। तो भोजन से हमें क्या मिलता है, शरीर को ऊर्जा मिलती है। अब देखते हैं हमारे भोजन के घटक क्या क्या है, घटक क्या क्या चीज आते हैं, ठीक ना? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, फिर वसा, फिर विटामिन, फिर खनिज लवण, ये है हमारे भोजन के क्या है, घटक, ठीक ना? पढ़ना हमें पौधों में पोषण, हमारे पौधे द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करना। जो हमारे पौधे हैं ये अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं तैयार करते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जो हरे पौधे होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, स्वपोषी, ठीक है? चलिए देखते हैं, ठीक है? पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं। जो हमारे पौधे हैं ये अपना भोजन कहाँ पर बनाते हैं, पत्तियों में। जैसे हम लोग अपना भोजन कहाँ बनाते हैं, रसोई में। तो पत्तियों का, पौधों का जो रसोई घर है क्या बोल सकते हैं, पत्ती को, क्योंकि वहां ये क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। जैसे हम खाना बनाने के लिए दाल चावल का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही पत्तियां देखो किसका किसका प्रयोग करते हैं, ठीक ना? तो पौधों की जो रसोई किसे बोल सकते हैं, हम पत्ती को। भोजन बनाने के लिए पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं दाल चावल लगता है, दाल चावल प्याज टमाटर, ऐसे ही पत्तियों को अपना खाना बनाने के लिए क्या लगता है, पहला क्या लगता है, पानी, दूसरा जल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक ना? सूर्य की प्रकाश की, क्या सूर्य का जो है प्रकाश की आवश्यकता होती है। पान हरी जल कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूर्य की क्या होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं, इतना चीज तो मिल गया, अब हम देखते हैं कैसे पहुंचते हैं ये सब चीज, कैसे कहां पहुंचते हैं, इसमें पौधों में कैसे पहुंचते हैं। सबसे पहले क्या है, पौधों की पत्तियों में क्या पाया जाता है, पर्णहरी नामक वर्णक पाया जाता है। जो हमारी पत्ती होती है उसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है, पर्णहरी नामक वर्णक पाया जाता है। ये प्रकृति की देन है, मतलब भगवान की देन है, किसमें पाया जाता है, ठीक ना? जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करता है, जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा क्या कहता है, ग्रहण करता है। पर हरे की उपस्थित के कारण ही पत्तियां हरी होती हैं। जो हमारी पत्तियां हरी होती हैं किसके कारण होती है, तो पर हरे की उपस्थित के कारण पत्तियां हमारी हरी होती हैं। अब आप लोग जान लें कि पत्तियां हरी क्यों होती हैं, किसके कारण होती है, पर हरे की उपस्थित कारण पत्ती क्या होती है, हरी होती है। मिट्टी से जल अवशोषित होकर पत्तियों तक पहुंचता है,
इस प्रकार पत्तियों में जल उपलब्ध होता है। जैसे इधर देखिए, ये हमारा पौधा है, ठीक है, क्या है, ये हमारा पौधा है। अब यहाँ जब हम लोग कहाँ डालते हैं, यहाँ पर जल डालते हैं, ये अवशोषित होकर पत्तियों में फलों में क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। इसी प्रकार जो है मिट्टी से जल को अवशोषित करके पौधों में अलग अलग भागों में क्या होता है, जल पहुंच जाता है। साथ ही वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे मंडल में क्या, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड सूक्ष्म क्या है, पर्णरंध्रों द्वारा पत्तियों के अंदर पहुंच जाता है। जो हमारी ये पत्ती है इसमें क्या है, सूक्ष्म पर्णरंध्रों द्वारा क्या हो जाता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, पहुंच जाता है, या ये क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। अब यहां देखिए, जब सूर्य का प्रकाश पत्ती क्या होता है, पहुंच जाता है। जब सूर्य का प्रकाश पत्ती पर पड़ता है, जब हमारे सूर्य का प्रकाश है पत्ती पर पड़ता है, तो पत्तियों में उपस्थित पर्ण हरित नामक इस प्रकाश को अवशोषित करके जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, साथ ही प्राणदायिनी ऑक्सीजन गैस बनाती है जो पर्णरंध्रों द्वारा वायुमंडल में निकाल दी जाती है। पौधों द्वारा भोजन बनाने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब यहां देखते हैं, पत्ती दिख रही है, जब सूर्य का प्रकाश पत्ती पर पड़ता है, तो पत्तियों में उपस्थित क्या, पर्ण हरित नामक क्या पाया जाता है, क्या पर्ण क्या पाता है, लवण पाया जाता है। तो पर्ण हरित इन प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, कौन अवशोषित करता है, पर्ण हरित क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। साथ ही जल तथा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, उसके बाद क्या है, पर्णरंध्रों द्वारा वायुमंडल में क्या निकाल दिया जाता है, CO2 ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। भोजन बनाने की यह क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। आइए हम देखते हैं, हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल सूर्य की प्रकाश में पर्ण हरित की उपस्थित में क्या करते हैं लोग, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यही ग्लूकोज क्या होता है, पौधों में मंड के रूप में उपस्थित होता है। यही ग्लूकोज क्या है, पौधों का क्या है, भोजन है, प्लस ऑक्सीजन, जो पौधे ऑक्सीजन हमको छोड़ते हैं, ठीक ना। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पर जल दोनों मिलके प्रकाश की उपस्थित में पर्णहरितनामक लवण के माध्यम से ग्लूकोज का निर्माण करती है। यही ग्लूकोज क्या है, पौधों के लिए भोजन का काम करता है, ठीक है। पत्तियों में बने हुए ग्लूकोज नामक भोजन को पौधे अपनी वृद्धि तथा अन्य जैविक क्रिया के लिए उपयोग करते हैं। जो ग्लूकोज है पौधे अपने वृद्धि के लिए या अन्य जैविक क्रिया के लिए उपयोग करते हैं। जो बचा हुआ भोजन होता है जड़ तना फल फूल इत्यादि में संचित होता रहता है, ठीक ना। जितना भोजन होता है सब तो पौधे अपने वृद्धि के लिए थोड़ी लेगा, कुछ वृक्ष के लिए, कुछ पत्ती के लिए, कुछ फल के लिए ले ना। उसके बाद देखिए, जैसे आलू के पौधों में तना, मूली की जड़ों में, गोभी के फूल में, पालक के पत्तियों में, टमाटर भिंडी मिर्च के आदि फलों में क्या होता है, भोजन क्या होता है, संचित माने क्या होता है, इकट्ठा होता है, ठीक है। अब यहां देखिए, ये पत्ती है, ठीक ना, यहां से जल मिल रहा है भैया ने पौधा बना दे। अब यहां क्या हो रहा है, जल अवशोषित हो रहा है, जल अंदर गया,
प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और कौन सा क्या क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, पर्ण हरित नामक लवण पाया जाता है। वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ठीक ना, निर्माण करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं लोग, ऑक्सीजन क्या है छोड़ते हैं, जो हमारे क्या है, हमारी जीवनदायिनी गैस। ऑक्सीजन गैस ना हो तो हम लोग जी नहीं पाएंगे। जैसे कोरोना काल में बहुत लोग ऑक्सीजन के लिए खत्म हो गए थे, तो हमारे जीने के लिए सबसे ज्यादा माध्यम क्या है, ऑक्सीजन। पौधे क्या करते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक है, छोड़ते क्या है, ऑक्सीजन, जो हमारे लिए क्या है, लाभदायक है। सोचिए पौधा लगाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लोग जो हमको नुकसान पहुंचाता है CO2 को ले लेते हैं, और जो गैस हमें फायदा देती है O2 को छोड़ देते हैं, ठीक ना। तो पौधा लगाना इतना ज्यादा जरूरी है कि जिससे हमसे हमको ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं पड़े। कभी कभी आदमी बीमार होता है, ऑक्सीजन लगा दिया जाता है, ठीक है। अगर हम ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो हमको कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। ऐसे धीरे धीरे अगर पेड़ काटते चले गए तो हमको ऑक्सीजन खरीदना पड़ेगा। अब जो हमको फ्री मिल रहा है, जो हमको फ्री मिल रहा है वो हमें खरीदना पड़ेगा। इसलिए जैसे हम लोग का जन्मदिन आता है, हम लोग बहुत सारा पैसा बर्थडे मनाने, केक काटने करते हैं। अगर आदमी अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाए, एक पेड़ आदमी अगर 60 साल जिएगा तो 60 पेड़ लगा देगा एक आदमी। ऐसे अगर हर आदमी पेड़ लगाने लगे तो कभी भी हमको ऑक्सीजन की कमी नहीं महसूस होगी, ठीक ना। जब कभी हम लोग कहीं धूप से साइकिल चला गाड़ी चला के आते हैं गर्मी के महीने में, लगता है कहीं अगर पेड़ मिले तो वहां रुक के क्या करें, आराम कर दें। आजकल क्या हो रहा, पेड़ काटते चले जा रहे हैं, आदमी सड़क घर पर होता चला जा रहा है, ठीक ना। देखिए एक और बात, पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र भंडार क्या है, सूर्य। पृथ्वी पर हमारे ऊर्जा का एकमात्र भंडार क्या है, सूर्य है। पौधों के पत्तियों में उपस्थित पर्ण हरित इस सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। जो ये हमारी पत्ती है ये क्या लेती है, सौर ऊर्जा लेती है। जो इसमें पाया जाता है पर्ण हरित, सौर ऊर्जा को क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है, ठीक ना। जिससे भोजन का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है। यह भोजन ये पृथ्वी के समस्त प्राणियों के लिए भोजन का स्रोत है, क्योंकि सभी जीव जंतु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपना भोजन पौधे से ही प्राप्त करते हैं। अतः हरे पौधे इस पृथ्वी पर एकमात्र क्या है, उत्पादक है। बाकी अन्य जीव क्या है, उपभोक्ता है। तो हमारे जो पौधे हैं क्या है, उत्पादक है, और अन्य क्या है, उपभोक्ता है। क्या भोक्ता, समझ आ गया। एक बार फिर देखते हैं, पौधे अपने भोजन कैसे बनाते हैं। ये पत्तियों बनाते हैं, पर्ण हरित पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है, और CO2 की आवश्यकता होती है, और जल की आवश्यकता होती है, ठीक ना। जो हमारे पत्तियों में पर्ण हरित नामक लवण ऑलरेडी पाया जाता है, जो सूर्य का प्रकाश पत्ती पड़ता है उसे क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, ठीक ना, सौर ऊर्जा को। यही पर्ण हरित जो है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक ना। अब जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यही ग्लूकोज क्या है, पौधों के लिए भोजन का काम करता है, ठीक ना, समझ आ गया। उसके बाद जो है पर्णरंध्रों के माध्यम से जो यहाँ ग्लूकोज बन गया, इनका भोजन हो गया। अगर कार्बन ऑक्सीजन बना है ना, ये भी बना है ना, इनको छोड़ देते हैं। भाई जैसे अभी हमारे लिए आ जाए चाउमीन आ जाए, बगल में दाल चावल आ जाए, तो हम धीरे से क्या करेंगे, चाउमीन को खा लेंगे और दाल चावल को आगे बढ़ा देंगे। ऐसे ही ये अपना भोजन लिए, इनको आगे बढ़ा देंगे, छोड़ दिए, ठीक ना। अब हो गया,
ऑक्सीजन को ये लोग छोड़ देते हैं, ठीक ना। हमारे पृथ्वी पर जो ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है, सूर्य है, ठीक ना। इन्हीं के माध्यम से पत्तियां क्या करती हैं, और सूर्य अपना खाना बनाती है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं हमारे पृथ्वी भी एकमात्र क्या उत्पादक पौधे, जो हमारे उत्पादक है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग क्या करते हैं, इनसे ही खाना प्राप्त करते हैं, इसलिए पौधों को क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, और सबको क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। समझ आ गया ना, कैसे पौधे अपना भोजन करते हैं, हो गया ना। उपभोक्ता क्या है जी,